देखिए मैं अभी एक निकासी गांव में हूँ। ये निकासी गांव 75 डिग्री लैटीट्यूड और 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जोग्राफिकली अवस्थित है। यहाँ पर एक बिल्कुल एकांत जगह पर मैं हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे को एक रेलवे ट्रैक मिला। मैं रेलवे ट्रैक देख करके सहज आकर्षित हो गया, क्योंकि रेलवे भारत की प्रकृति का द्योतक है, सिंबल है। तो और यहाँ पर सारा इलेक्ट्रिक रूट ये सारे देखने से मेरे को बहुत ये खुशी हुई है कि हमारे इस रिमोट एरिया में भी ये सारे विकास का जो मापदंड है वो हो गया। फॉर्चुनेटली बहुत सारा ग्रीन बेल्ट है जिसमें खेती होती हो रही है, ये गेहूं की खेती, सरसों की खेती और चने की खेती ये इस अभी के इस टाइम में हो रहा है। ये अभी से लेकर आने वाले 1 से 1.5 महीने में सारे फसल कटेंगे और हमारे आपके लिए पहुंचेंगे खाने के लिए। फिर इसको देखा, यहाँ पर एक छोटा सा एक पानी का संग्रह वाला जगह था। संग्रह वाला नहीं कि ये जस्ट कटी है, उसमें पानी थोड़ा सा, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। ये जगह बिल्कुल ही एकांत है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ों के बीच में ये 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इस तरह का जगह देखने से बहुत ही असीम आंतरिक आनंद आता है, आ रहा है, मैं विशेषकर मेरे को आ रहा है अभी देखने में। इसमें सारे खेत वो ले करके साथ ही साथ चलिए आपको थोड़ा सा मैं खेत भी दिखाऊं जिसमें मिक्स क्रॉपिंग है। चना भी है, सरसों भी है, गेहूं भी है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से देखिए ये थोड़ा बहुत हवा पर लहला रहा है, थोड़ा कभी कभी जब हवा का मध्यम मध्यम ये, और यही अगले महीने में जो कि पद्धति भारतीय पद्धति के हिसाब से चैत्र महीना आएगा, फागुन के उपरांत, तो इसमें थोड़ा हवा ज़्यादा आएगा जिसमें ये ड्राइनेस आएगा, उसके बाद ये सारे फसल तैयार होकर के हमारे आपके लिए पहुंच जाएगा। देखिए इसमें गेहूं भी है, चना भी है, सरसों भी है, देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। ये आपको इस जगह देखेंगे, बेशक आप वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।